दोस्तों आईपीएल शुरू होने में अभी मात्र कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। आईपीएल का शेड्यूल पहले ही आ चुका है और 26 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है। पिछले लंबे समय से लोग आरसीबी के नए कप्तान की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। एक लॉन्च इवेंट के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फ्रेंचाइजी ने कप्तान के नाम को घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के नए कप्तान फाफ डु प्लेसिस बन चुके हैं। वहीं फाफ डु प्लेसिस के कप्तान बनते ही विराट कोहली काफी ज्यादा नाराज हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन क्या विराट कोहली को कप्तानी मिलनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों कोहली ने आरसीबी फ्रेंचाइजी को दिनेश कार्तिक को कप्तान बनाने की सलाह दी थी, लेकिन अचानक फाफ डु प्लेसिस को कप्तान बनाना कोहली को नागवार गुजरा और उन्होंने जमकर आरसीबी की आलोचना कर दी है। दरअसल विराट कोहली चाहते थे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक बने, लेकिन अचानक आरसीबी ने अपना फैसला बदल दिया और फाफ डु प्लेसिस को टीम का कप्तान बना दिया है। और आरसीबी के इस फैसले से नाराज होकर विराट कोहली ने फ्रेंचाइजी पर पक्षपात का आरोप भी लगा दिया है। कोहली के इस बयान के सामने आने के बाद बस इसी बात की चर्चा हो रही है। वहीं दोस्तों दिनेश कार्तिक को कप्तान बनाना सही होता या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर दें।